हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सही कोतर। आप देख रहे हो पिल्नोस गेमिंग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पिल्नोस गेमिंग का और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, टाइटल ऑफ थंबनेल देखकर आपको शायद पता ही चल गया होगा और आप लोगों को मैंने बहुत पहले बोला भी था कि आज हम करने वाले हैं फेस रिवील। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने तो मेरा फेस रिवील कर दिया है, पर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। दोस्तों, मेरा फेस आप लोगों को अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। तो कमेंट में जरूर बताना मेरा फेस आप लोगों को कैसा लगा है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा फेस बुरा लगता है तो प्लीज यार अनसब्सक्राइब करके मत जाना, क्योंकि बंदा का फेस में कुछ नहीं रहता है, उसका काम ही जो है वही दोस्तों मैटर करता है। और आज की इस वीडियो में मैंने तो मेरा फेस दिखा दिया है, साथ में दोस्तों मेरा गांव का आसपास का थोड़ा सा इलाका भी दिखा है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है एक लाइक कर देना और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। और अपने दोस्तों शेयर करते हो तो मेरे लिए काफी अच्छा बात होगा। दोस्तों, इस बात आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है और मेरे इधर आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, हफ्ते में एक दो ब्लॉगिंग भी आने वाला है। दोस्तों, प्लीज यार चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो दोस्तों, फेस रिवील के साथ थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी मैंने दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट जाते हैं फेस रिवील की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सही कतरा। आप देख रहे हो पिल्नोस गेमिंग। ऐसा लगा मेरा मजाक चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सही कतरा। आप देख रहे हो पिल्नोस गेमिंग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पिल्नोस गेमिंग का और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 27 तारीख को मैं फेस रिवील करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा फेस। आप कमेंट करके ये जरूर बताना मेरे को कि मेरा फेस आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताना, अगर बुरा लगता है तो उसको बुरा बता देना, सच बताना, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, मेरे को कोई भी बुरा नहीं लगेगा। और दोस्तों, मैं ऐसी जगह में रहता हूँ ना जहाँ पे आप लोग गांव का फीलिंग और शहर का फीलिंग दोनों ही आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं शहर और गांव का बीच में रहता हूँ। इधर दोस्तों आप देख सकते हो इतना आपका पेड़ पौधा है, फिर दोस्तों ये आपका गांव की तरह माहौल लग रहा है। और दोस्तों, मेरी इधर जो फैसिलिटी है ना वो पूरा शहर की तरह है, जैसे कि रोड बोल सकते हो, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा सब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, शहर की तरह है। इलेक्ट्रिसिटी कट बहुत ही कम होता है और दोस्तों रोड बोर्ड सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो आप बोल सकते हो मैं गांव और शहर के बीच में रहता हूँ। और दोस्तों, और दो जो मतलब अलग अलग बंदा का जो आपको ब्लॉग में देखने को मिलता है उसका दोस्तों मेरे से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं गांव और शहर के बीच में रहता हूँ ना, तो ऐसा कोई ब्लॉग शायद आपको देखने को नहीं मिलता है। नहीं तो गाँव का ब्लॉग देखने को मिलता है, नहीं तो शहर का ब्लॉग देखने को मिलता है। मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ गाँव और शहर का बीच का ब्लॉग। और दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे को थोड़ा पसीना वगैरह भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी है थोड़ा सा बढ़ गया है दिनों की तरफ में। इन दोस्तों सुबह थोड़ा सा गर्मी रहता है, रात को जो है वो दोस्तों थोड़ा सा ठंडी हो जाता है। अभी दोस्तों आप लोगों ने मेरा फेस देख ही लिया है, अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मेरा घर का मतलब मेरा जो घर है उसको बाहर से, और अंदर से मैं कहाँ बैठ कर बैठता हूँ, कहाँ दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, मेरा रूम कैसा है, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीडियो का एंड में। अभी दोस्तों आप लोगों को मैं मेरा गाँव का कुछ छोटा छोटा हिस्सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाद में जो ब्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को गांव का हर एक चीज डिटेल में दिखाने वाला हूँ। अभी दोस्तों छोटा छोटा जो झलक है उस और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को पता है मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं जितना अच्छा हो सके उतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, यानी इंडिया का वेस्ट बंगाल में। और तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पता होगा, हावड़ा ब्रिज का नाम उन्होंने सुना ही होगा। तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। कि दोस्तों ना ही पूरा गाँव है ना ही पूरा शहर है, आप बोल सकते हो पूरा बीच तरीके का है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूँ कुछ दोस्तों मतलब मेरा गांव का कुछ जो नजारा है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एंड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रूम टूर। और अभी के टाइम दोस्तों बैकग्राउंड वीडियो में देख सकते हो मेरे यहाँ पे हल्दी का खेती हुआ था। और दोस्तों, आप लोगों भी शायद खाने के अंदर हल्दी का जरूर से यूज करते होंगे। दोस्तों, मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके का हल्दी होता है। इसके बाद दोस्तों प्रोसेस से हल्दी का दोस्तों जो पाउडर होता है वो दोस्तों किया जाता है। तो यही है दोस्तों हमारा हल्दी का खेत। और दोस्तों, आप बताना आपको ये कैसा लगा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को हाथ में लेके पास से भी दिखाने वाला हूँ। अभी दोस्तों देख सकते हो किस तरीके से हल्दी को मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है। तो मेरे यहाँ पे मेरे एक चाचा टाइप का है वो दोस्तों यहाँ पे निकल रहा है, आप देख सकते हो। हल्दी दोस्तों कुछ इस तरीके का मिट्टी के अंदर उगता है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे खेती किया था, वही दोस्तों अभी के टाइम में इसको दोस्तों मिट्टी के अंदर से दोस्तों निकाला जा रहा है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हल्दी होता है। इसको दोस्तों बाद में प्रोसेस करके पाउडर की तरह हम लोग दोस्तों खाने के अंदर यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे ये हमारा ही दोस्तों लैंड है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हर एक तरीके का आप लोगों को पेड़ पौधा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नारियल का पेड़, साथ में केला का
का पेड़ और भी दोस्तों बहुत ही अच्छा इमली का पेड़ देख सकती हो, ये सब हमारे यहाँ पे है। तो आप लोग यहाँ से पूरे गांव का फीलिंग आ रहा है। दोस्तों बात किसी ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ का दोस्तों बहुत कुछ दिखाने का लायक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके होता है और यहाँ पे दोस्तों इकट्ठा किया जा रहा है, मैं आप लोग हाथ में लेके भी दोस्तों दिखा रहा हूँ। तो आप दोस्तों देख भी सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा धूप भी है। तो ये जो वॉयस है मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे हल्दी कुछ इस तरीके का होता है। तो यह दोस्तों देख सकते हो एक पूरा हल्दी का पेड़ जो है कुछ इस तरीके का हल्दी होता है। और सो इसको ही बाद में दोस्तों मशीन के अंदर दोस्तों मतलब क्या बोलते हैं पाउडर तरीके से यूज करके खाने के अंदर यूज करता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ही हमारा हल्दी होता है मिट्टी के अंदर। तो आप लोगों ने ये चीज पहले देखा था क्या, कॉमेंट करके जरूर बताना। अभी दोस्तों आप बैकग्राउंड में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके दोस्तों होता है एक बड़ा सा दोस्तों जो मतलब हल्दी का पेड़ हुआ था उसका दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे खेती होता है। और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का अलग से करके यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं इसको ही दोस्तों मशीन के अंदर डाल के कुछ पाउडर टाइप का किया जाता है, उसके बाद खाने के अंदर इजिली यूज होता है। तो इस तरीके से होता है, आप बताना आपको ये कैसा लगा है। और दोस्तों इसका भी बीज भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं नेक्स्ट जो सीजन में कौन सा दोस्तों यूज करके न्यू दोस्तों पौधा होगा वही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसको यूज करके मतलब अगले साल में कुछ इस तरीके का ही बड़ा बड़ा हल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी के टाइम में आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये मेरा गांव का जहाँ पे खेती होता है, बेसिकली यहाँ पे चावल उगता है। आपको शायद देख के पता ही चल रहा होगा यहाँ पे दोस्तों चावल उगता है, हालांकि अभी के टाइम में तो चावल नहीं उग रहा है क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा सा पानी का शॉर्टेज है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को दूर में देखने को मिल रहा है, शायद आप लोगों को नहीं भी मिल सकता है क्योंकि कैमरा उतना भी अच्छा नहीं है, फोन का कैमरा है। तो दूर में दोस्तों थोड़ा सा चावल वावल इस बार उगाया गया है। बेसिकली दोस्तों बरसात के मौसम में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में चावल दोस्तों उगता है। और आप लोगों को पता होगा इंडिया में वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा चावल दोस्तों लाता है, मतलब चावल सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती होता है। और दोस्तों आप लोग क्या बताऊँ, आप लोगों को दूर में शायद एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बेसिकली ये यहाँ से मतलब जहाँ जब बरसात का मौसम नहीं होता है वहाँ से पानी दोस्तों छोड़ता है, तो यहाँ इस जगह में दोस्तों खेती होता है। दोस्तों जब बरसात का मौसम आएगा तब अगर मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो आपको हरा हरा खेत दिखाऊंगा। और दोस्तों अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ मेरा दोस्तों जो गांव का जो मतलब क्या मैंने आपको बोला था गांव और शहर के बीच में रहता हूँ, और शहर का जो फैसिलिटी है वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा घर है और यहाँ पे जो है पानी भी काफी अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो अभी आप सामने देख सकते हो ये है हमारे घर के सामने एक बड़ा सा तालाब, और इस पानी में हम लोग दोस्तों नहाते भी है और दोस्तों आदर्श जो काम है वो भी दोस्तों हम करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो और यहाँ पे दोस्तों पानी का भी मतलब खाने वाला पानी भी अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों एक ट्यूबवेल है और यहाँ पे साफ सुथरा पानी भी दोस्तों मिट्टी के अंदर से निकलता भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से पानी भी मिल जाता है, और यहाँ पे दोस्तों जो रोड है वो भी काफी अच्छा है, और साथ में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों ब्लॉग जो है बहुत ही बड़ा हो गया है फेस्टिवल के साथ। दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को मेरा घर के अंदर भी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोड भी काफी अच्छी तरीके का है, और यहाँ पे जो बिजली है ये भी दोस्तों हम लोग को काफी अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो आप देख सकते हो बिजली का वायर, और यहाँ पे दोस्तों पावर कट भी बहुत ही कम होता है। तो आप बोल सकते हो एक सही तरीके से हम लोग जो फैसिलिटी है वो मिल जाता है। तो साइड में दोस्तों यहाँ पे मतलब बहुत ही पास में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और साथ में दोस्तों हॉस्पिटल वगैरह भी है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो एक शहर का नजारा। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ऐसे दोस्तों ब्लॉग जो है बहुत ही बड़ा हो गया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मेरा गांव का और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाऊंगा, साथ में किसी वीडियो में मेरा जो रूम है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा। रूम के अंदर दोस्तों थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बिगड़ा हुआ पड़ा है, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये फेसबुक के साथ ये जो वीडियो है आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता तो जरूर से अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। और मैं मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक और दोस्तों जो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे उधर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो क्योंकि उधर भी आप लोग को दूर नहीं देखने को मिलता है। तो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, हैव अ गुड डे।